अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस शबाना शफीक। आई विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट्स नाउ थ्री क्लास। आज का हमारी लास्ट टाइम हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हुए थे। आज हमारी है एक्सरसाइज वन, फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्लेस वैल्यू ऑफ एट इन 3, 4, 8, 5, 6, 1। उन्होंने कहा है कि एट की प्लेस वैल्यू बतानी है, वो क्या है। तो वन हमारे पास वंस है, टेन हंड्रेड थाउजेंड, एट हमारे पास क्या है थाउजेंड। तो इसका हम लिखेंगे 8000, दोनों फॉर्म में लिखेंगे, डिजिटल में भी और उसमें भी वर्ड्स में भी लिखेंगे। सेकंड है हमारे पास 31, 43 and 25 आर ऑड नंबर। ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। सी पार्ट है हमारा 52 is less than 53, ठीक है जी। थर्ड है, फोर्थ है हमारा 21, 22, 23, 24 and 25 आर द असेंडिंग ऑर्डर। 11 इज द ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास ट्रू फॉल्स। उन्होंने कहा है इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10। उन्होंने कहा है कि 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है। इट्स ट्रू, 10 ही है। अच्छा जी, रोमन न्यूमेरिकल जो है वी है, 5 standard 4 लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये 4 है जबकि ये 5 है, ये 4 नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स है। सी वाला है 73 इज़ अ इवन नंबर, इट्स फॉल्स। हमारा 73 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 84 जो है उन्होंने कहा ये हमारा इवन नंबर है, 84 हमारा इवन नंबर है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 15 greater than 14 इज़ ट्रू, ठीक है जी। 15 14 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। रोमन न्यूमेरिकल्स उन्होंने लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड, उसमें उन्होंने पूछे कि ये इसकी डिजिट में क्या आएगा, 10, 14, 16 या 15। तो 16 आएगा। 400,340 इन फिगर्स में लिखना है, तो आएगा 440,340, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दी नंबर 19 इज़ ग्रेटर देन 18। दी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 21750, तो हमारे पास आएगा 20,000। ई है हमारे पास 17 इज़ दी रोमन न्यूमेरिकल, रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखना है इनको हमने, तो वो आएगा XVII। नेक्स्ट है राइट दी नंबर्स इन रोमन न्यूमेरिकल्स, रोमन न्यूमेरिकल्स में ये लिखे हुए हैं 16, 10, 11, 8, 7, 20, ये आप लोग अपनी कॉपीज पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, राइट द रोमन नंबर इन न्यूमेरिकल्स। उन्होंने रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, हम लोगों ने इनको न्यूमेरिकल्स में चेंज करना है, डिजिट्स में चेंज करना है। फर्स्ट वाला 9 है, सेकंड 19 है, थर्ड 14 है, फोर्थ 5 है, फिफ्थ 15 है, और सिक्स 13 है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट दी ऑड नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। उन्होंने कहा है कि ऑड नंबर लिखने हैं, लेकिन किसके सेंटर के, 50 to 70 के जितने भी सेंटर में होंगे वो आपने सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 62, 63, 63, 65, 67 और 69, ठीक है जी। फिर लास्ट में आ जाएगा 70। 70 हमारा इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उन्होंने कहा है कि हमें इवन नंबर चाहिए 60 to 80, तो 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट दी नेम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट दी नेम्स ऑफ दिस नंबर इन वर्ड्स। हमने इनको वर्ड्स में लिखना है, सॉरी वर्ड्स में है इसको हमने नंबर्स, सॉरी हमारे ये नंबर्स में है, हमने इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 672,072। तो हम इसको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, 672,072, ठीक है जी। सेकंड बी है हमारे पास 509,453, तो 509,453 हमारे पास। सी डी ई एफ जी एच पार्ट आप लोग ऐसे ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट दी नंबर्स इन फिगर्स। इनको हमें इन्होंने वर्ड्स में दिए हुए, अब हमने इनको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो ए वाला है 206,366, तो हम लिखेंगे 206,366। बी वाला हमारे पास है 155,604, तो 155,604। इसी तरह हमारा सी डी ई एफ जी पार्ट और एच पार्ट होगा। ये सारा वर्क आपका जो बुक वर्क का था वो बुक वर्क में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये आप लोगों ने कॉपी पे करना है। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।